आधार कार्ड के न्यू पोर्टल लॉन्च हो गया है। मैं आपको न्यू पोर्टल से ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से बिना आधार सेंटर जाए आप किस तरीके से दो ही क्लिक में आप कैसे पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आप समझेंगे किस तरीके से पीवी से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप किस तरीके से दो ही क्लिक में आप पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। तो कैसे आपको न्यू पोर्टल से पीवी से आधार कार्ड के लिए ऑर्डर करना है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे इस तरीके से आप आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप पीवी से आधार कार्ड के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, कम्प्लीटली जरूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहां से आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पर देखिए ये साइट आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है, अब देख रहे हैं यहाँ पे myaadhar.uidai.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि UIDAI का जो है यहाँ पर जो है न्यू पोर्टल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से जो है आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन, आधार कार्ड डाउनलोड, पीवी से आधार कार्ड ऑर्डर, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पेमेंट बुक कर सकते हैं, भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बाद जो है वेरीफाई आधार कर सकते हैं, इसके बाद वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपना जो है लॉगिन कर लेना है। तो आप लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे अपना जो है देख रहे हैं इंटर आधार, अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश कर लेंगे। कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। यहाँ पे OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि एक मिनट का टाइम रहता है, आपके मोबाइल पर जो है OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पे OTP आ चुका है, मैं जो है यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि आपके सामने में ये जो है पेज यहाँ पे ओपन होके आ रहा है और यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो है आधार के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो है आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आइकन, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आधार यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ फिलिप आधार कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बैक साइड का जो है आपका यहाँ पे आधार जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दो ही क्लिक में जो है आपको यहाँ पर आधार कार्ड जो है ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आ चुका है, यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको जेंडर और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है और यहाँ पर आपका पिक आ जाता है। तो पीवी से आधार कार्ड आप जो है यहाँ पर दो ही क्लिक में जो है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ टर्म वाले को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रोसेसिंग कुछ चलेगा। और यहाँ पर देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि 50 रुपये का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो है कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट, पेटीएम और UPI से कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो भी हो उससे आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप जो पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड वाले पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, CVV नंबर डालना है और कार्ड होल्डर का नाम डालना है। इसका टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके अकाउंट से 50 रुपये कट जाएगा और ये जो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से जो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है पीवी से आधार कार्ड के लिए जो है आप बहुत ही
आसानी तरीका से जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है। और गाइज वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप पीवीसी आधार कार्ड के लिए आप किस तरीके से दो ही क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।